और मैं हूं मदन राज, और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। संबल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश यादव। अखिलेश जी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अखिलेश सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके, जो आप इतने परेशान हैं? प्रशासन सुन नहीं रहा है कि नहीं सुन रहा है? सर एक्चुअली में ये बहुत पुराना मामला है। एक ये सतपाल उर्फ सतेंद्र पाल के नाम से एक मेरे गांव का ये व्यक्ति है, पुराना रिकॉर्ड इसका आपराधिक रहा है सर। और ये जो है पुराने पुराने रंजिशों पे कभी हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने कुछ किया होगा तो उन रंजिशों को उखाड़ उखाड़ के बार बार लेके आता है सर। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पुराने पुराने बहुत सारे इशू लेके आता है कि आपके बुजुर्गों ने ये किया वो किया, मैं आप बदले लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह सर ये दिनरात हमें आए दिन परेशान करता रहता है। तो आप पुलिस प्रशासन में गए तो हुआ क्या? सर पुलिस प्रशासन में जाते हैं सर, वो वही समझा देते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, ये इस पर ये धारा इस पर वो धारा है, मतलब कुछ कोई स्थायी उपचार नहीं हो पा रहा है इसका। तो जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का राज चल रहा है, कह रहे हम लोग, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है? नहीं सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें। और ये बहुत बड़ा माफिया भी है सर, ये माफिया इस तरीके का, ये हाई स्कूल या इंटर पास है और उसके बाद में इसने सन 1999 में सर कोई चंद्रलाल चुनेरा करके थे, पहले ये यूपी में लगता था उत्तराखंड, सन 2000 से पहले तो चंद्रलाल चुनेरा करके थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनके जो फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट थे उनके नाम पर रजिस्टर्ड थे फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट में इसने अपनी नौकरी प्राप्त की और नौकरी प्राप्त करने के पश्चात सर इसने सरकारी धन को लूटा। सरकारी धन लूटने वाला माफिया है ये, और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से हाई स्कूल या इंटर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आखिर में आपसे क्या मैटर, आपकी समस्या क्या चल रही है उनसे, क्या लड़ाई, क्या किस बात को लेकर है? सर हमारी कोई हमारे होश में कोई इनसे कोई लड़ाई नहीं हुई है, ना हमारी कोई इससे कोई पर्सनल लड़ाई है। बाकी एक बार इससे हमारी बात हुई थी फोन पे, तो ये बोला था कि आपके बाबा ने या आपके परबाबा ने मेरे पिताजी के साथ ये किया था वो किया था इस तरह से, तो हमने हमने इसको बोला था, मैंने भैया हमने तो कुछ कहा किया नहीं किसी के साथ, तो मैंने कहा जब उन लोगों ने कुछ किया तो आप उनसे कुछ करते हो, उन्हीं के साथ आप कुछ भी करते, तो इसमें हमारा क्या दोष है, हम तो जब थे भी नहीं यहाँ पे। तो उनका कहने तो का मतलब मैं क्या था आपको, आपका कहने का मतलब क्या था उनका, आपको क्या सजेशन दे रहे थे? उनका कहने का मतलब ये था कि भाई उस समय हम कुछ करने लायक नहीं थे, तो मैंने भैया मैंने अब कर लो आप उनका, तो क्या अब आप नहीं मानोगे, तो इस तरह से मतलब धमकी भरे आए दिन सर। गुंडे वहां 10-20 गुंडे रखता है, 10-20 गुंडे मतलब मेरे घर के गेट के सामने बैठ के गाली गलौज करना, सब मतलब औरतें रहती हैं बच्चे रहते हैं, मेरी बहन है बेटी है माँ है घर वाली है, सबके सामने गाली गलौज करना, इस तरह की सर आए दिन हरकतें करते रहते हैं वहां लोग, और ये बिल्कुल अपनी आदतों से कोई बात नहीं आ रहा। तो आपको क्या कहने का मतलब, आपको कोई परेशान किया जा रहा है? सर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, कल 9 बजे की बात है, 9 बजे पहले इसने मेरा छोटा भाई था वो खेतों से आ रहा था, खेत से गाय मतलब अभी यहाँ पे गाय वाय का थोड़ा वो है, गेहूं की फसल को खाते हैं, तो भाई मेरा खेत से आ रहा था, पहले उस पर अटैक किया, फिर वहां से आने के बाद मेरे घर को मतलब घेर लिया, दो गेट लगे हुए मेरे घर पे, दोनों गेट घेर लिए कि निकलो और निकलते ही मारो इनको, और मतलब गोली गोली मारने की भी धमकी दी कि जब भी मिलेगा गोली मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, और बिल्कुल मारूंगा, कभी ना कभी तो मैं यहाँ पे आएगा घर पे, कब तक नहीं आएगा यहाँ पे, तो इस तरह से सर धमकियां दे रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है अखिलेश जी कि पुराने रंजिश लेकर आप बदला लेना चाह रहे हो? हाँ सर पुराने दिन से हमने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया, बिल्कुल हमने कोई गलत ही नहीं किया, अगर वो हम बिल्कुल किसी तरह से हमारा कोई उससे कोई मतलब नहीं है, पुराने रंजिश के लिए बता रहा है कि आपके बाबा ने या परबाबा ने ये मेरे साथ ये किया था मेरे पिताजी के साथ, तो मैं वो बदले लूंगा। तो पुलिस प्रशासन में आप गए, आज गए थे, तो हो गया क्या, मैटर निकला उसमें? पुलिस प्रशासन वाले सर बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, गाली गलौज का मामला है, छोटा मोटा मामला है, छोटी मोटी धारा लग जाएंगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन सर ये उन धाराओं से मानने वाला नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ पहले कई आपराधिक मामले सर दर्ज हुए हैं, तो जब 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 भी इसका केस सजा पे जाता है तो उसी समय ये मतलब उससे जाके फैसला कर लेता है, हाथ पैर जोड़ के, फिर वो बच जाता है इस तरह से सर। यानी कहने का मतलब कि मौके से निकलने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन बाद में वही करते हैं जो चाहते हैं। जी जी बिल्कुल 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 वही हो रहा है।
तो आप सीएम योगी जी से क्यों नहीं मिले? आपको जाके मिलना चाहिए अगले सीएम, अरे क्या नाम है अपना, उत्तर प्रदेश के सीएम जी से। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूंगा सर, ऐसे गुंडों को, वो छोटे भैया नेता जो है गांव के मोहल्ले के, उनको भी थोड़ा सर देखें और उनका भी थोड़ा उपचार करें, जिससे आम आम आदमी परेशान ना हो, उनको उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। और ये ऐसे माफियाओं को भी मेरे को देखना चाहिए। बता रहे हैं अखिलेश जी, कोई जमीनी मैटर तो नहीं ना पुराना लेकर, कोई ऐसा कि कहीं जमीनी पुराना हड़प लिया हो, फिर ऐसा है, फिर उसकी बात कोई ऐसा मैटर तो नहीं? नहीं ना जमीन का मैटर हमारा इसका तो काफी काफी दूर तक नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ना घर, ना घर का मैटर है, ना जमीन का मैटर है। केवल एक बार बात हुई थी, केवल उसने यही बात बताई थी कि मेरे पिताजी के साथ आपने, हो सकता है सर किसी जमाने में कहीं किसी ने कुछ कर दिया हो, तो उसका मतलब ये नहीं बनता कि आप जो बच्चा जन्म ले रहा है उससे भी आप बदला लेते रहेंगे, बार बार लेते रहेंगे, बार बार परेशान करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो पुलिस के पास कितने बढ़ गए हैं इस मीटर को लेकर अब तक? सर आज ही गए, अभी वहीं से आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है जो मिलना नहीं तो चाहिए। आप, नहीं तो थाना अध्यक्ष चाहे एसओ साहब हो, आप नहीं करें कि अगर जो कल तक, कल के बाद कोई गोली होता है, कोई बात ऐसी, तो उसका रिस्क कौन लेगा? आप इस मीटर को सुलटाइए, मामला को खत्म करिए, आपका काम ही है। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा तो चलता रहता है, वो गाली गलौज चलती रहती है, उसमें कुछ नहीं है, और क्या आप भी कमजोर नहीं है, वो भी कमजोर नहीं है। अब साहब हम तो कमजोर हैं, इसलिए हम प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, शासन से गुहार कर रहे हैं कि हमारी मदद होनी चाहिए, ये मामला सरकार इसको देखे साहब, ये भी ये बहुत बड़ा माफिया है, मतलब पूरी तरह से। और इसने एक दो जगह, मतलब सरकारी स्कूल चलता था पहले गांव में, उस पर भी कब्जा कर लिया था पहले इसने, तो जब और कहा कि स्कूलों बड़े का बुजुर्ग कब्जा बदमाश। किए थे, तो स्कूल वाला जाके नहीं कहे कि भैया ये तो हमारा स्कूल है, चाहे शासन प्रशासन कोर्ट के माध्यम से नहीं कुछ कहे? सर बहुत पुराना मामला है उसके, ये हमारे होश से पहले का है, हमें ये बताते हैं, अब उसकी अगर इंक्वायरी हो और जांच हो कहीं से, तो जांच में देखो क्या पाया जाता है, अगर तो जांच कर, प्रशासन को जांच करनी चाहिए इसकी। तो आप क्या कहना, क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ संदेशा देना चाहेंगे? संविधान सर, हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे छोटे भैया नेताओं को जरूर, नेताओं को जरूर हमारे महाराज जी उन पर नजर रखें, जो गरीब तबके को, हल्के आदमी को एक दो आदमी परेशान करते हैं। फिर तो आपको क्या लगता है अखिलेश जी कि आपको जान के खतरा है, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि नहीं कल ऐसा हो सकता है, चाहे जो भी, आप क्या कहना चाहें, कुछ खोल के बोलिए आप। उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है, और सीसीटीवी कैमरे में, जो मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें पूरा है, उसमें रिकॉर्ड है, उसने बोला है कि जब भी वो आएगा मारूंगा, और मारूंगा छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो फिलहाल आदमी है कहाँ इस समय, गांव में कि जेल में, कहाँ है? वो गांव में ही है सर, जेल में नहीं है, जेल जेल में तो कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब जेल का कोई फर्क नहीं है? ठीक जेल में है नहीं, अभी तो गांव में है वो। है अखिलेश जी, और कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जो समस्या है बताइए कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक जाया जाए, कि आपको जो भी मदद मिले सरकार के माध्यम से रफा दफा मामला को किया जाए। अभी 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 ये 2021 में, 21 में सर, 420, 467, 468, 471, 471 धाराओं में ये गया है जेल, तो वो भी पूरा शक उसका ये है कि ये लोगों ने करवाया, मुझे वहां से हटवाया है नौकरी से और जेल भिजवाया है। अब सर जब बताओ, पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट तो जेल तो जाएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकता है, पढ़ाई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है, और तो उसको लेकर और ज्यादा रंजिश हमसे मान रहा है वो। ठीक है अखिलेश जी, मैं कोशिश किया जाए कि आपकी कोई बात उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचे और इस मामला को जल्दी से रफा दफा हो, कि कोई आगे चल के अनहोनी ना हो, और हमारे चैनल पर आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अनहोनी होने की अभी तक पूरी संभावना है, क्योंकि अगर इस पे अंकुश नहीं लगेगा तो अनहोनी हो सकती है सर, इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं ठीक है अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।